काफ़ी पुराने वक्तों की बात है, एक बादशाह अपने घर के सामने रोड पे अपने मुलाजमों की मदद से एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा देता है और वो रोड के दरमियान में पत्थर रखवाता है। वो ये देखना चाहता है कि कौन शख्स इस पत्थर को यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ से उस बादशाह की रियाया में से बहुत सारे अमीर लोग, बहुत सारे कारोबारी लोग उस रोड से गुजरना शुरू होते हैं। दूसरे दिन बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी शख्स उस पत्थर को वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सारे लोग इस चीज़ की शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि बादशाह अपने घर के सामने वाले रोड से ये पत्थर क्यों नहीं हटवा रहा। एक दिन क्या होता है कि एक किसान बहुत सारी सब्जियां अपने सर पे लाद के वहाँ से गुजर रहा होता है। जब वो उस पत्थर को देखता है तो उसके जहन में ख्याल आता है कि इस पत्थर को यहाँ से हटाना चाहिए ताकि रोड साफ हो जाए और बाकी लोग भी आराम से यहाँ से गुजर सके। तो वो अपनी सब्जियों का वजन रोड के एक साइड पर रखता है और उस पत्थर को धकेलने की कोशिश करता है। वो बहुत देर कोशिश करता रहता है और आखिरकार वो उस पत्थर को एक साइड पर धकेलने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो पत्थर को एक साइड पर धकेलता है, उसके बाद वो सारी सब्जियां उठा के अपने सर पे रखता है, तो वो क्या देखता है कि जहाँ से उसने पत्थर को धकेला था वहाँ पे एक पर्स पड़ा है। तो वो उस पर्स को उठा के उसको खोलता है तो उसमें सोने के बहुत सारे सिक्के होते हैं। सोने के बहुत सारे सिक्कों के साथ बादशाह की तरफ से एक नोट भी होता है कि ये सिक्के उस शख्स के लिए हैं जो इस पत्थर को यहाँ से हटाएगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन हर रुकावट एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। बहुत सारे लोग उन रुकावटों के ऊपर कंप्लेंट्स एंड रिग्रेट्स करते हुए नजर आते हैं, उन रुकावटों के ऊपर एक दूसरे के साथ शिकायतें और लड़ाइयाँ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन रुकावटों को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं और अपने नरम दिल की वजह से, अपने जज्बे की वजह से, अपने ईमानदारी की वजह से उन रुकावटों को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश में जुट जाते हैं। वो उन रुकावटों को दूर करते करते एक नामुमकिन सी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। हमारी ज़िंदगी की जो रुकावटें हैं, हमारे रास्ते के जो पत्थर हैं, वो हमारा रास्ता रोकने के लिए नहीं आते, वो हमें मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, वो हमें मजीद मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं समझेंगे तो हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए